अरे मेहंदी रची थर हाथों में, हो ओ जी मेहंदी रची थर हाथों में, उड़ रही काजल आख्या में, मेहंदी रची थर हाथों में, उड़ रही काजल आख्या में, चुनड़ी रो रंग सुरंग धारी आ मजमा, चुनड़ी रो रंग सुरंग धारी आ मजमा, मेहंदी रची थर हाथों में, रची थर हाथों में, उड़ रही काजल आख्या में, मेहंदी रची थर हाथों में, उड़ रही काजल आख्या में, चुनड़ी रो रंग सुरंग धारी आ मजमा, चुनड़ी रो रंग सुरंग धारी आ मजमा, अरे चांद उग्यो राता में, फूल उग्यो रण बागा में, चांद चढ़ो ओ राता में, फूल उग्यो रण बागा में, चांद चढ़ो ओ राता में, थारो इसो सुहानो रूप मारी, आपको बोलना है आगे, थारो इसो सुहानो रूप मारी, अरु इसो सुहानो रूप मारी आ मजमा, मेहंदी रची थर हाथों में, ओहो आप लोग बोलिए एक बार बढ़िया मजमा तकबीर जय हो, आपसे शुरू करता हूं सजन जी, इसको इधर घुमा दीजिए तालियों के साथ पे, बलिया मचमा जय हो, ओ हा तो, अरे रूप सुहाण देखो नींदड़ली नहीं आख्या में, और रूप सुहाणो जद सू देखो नींदड़ली नहीं आख्या में, और रूप सुहाणो जद सू देखो नींदड़ली नहीं आख्या में, भूल गई सब कामाने, भूल गई सब कामाने, याद करूं थर नामा ने, भूल गई सब कामा ने, याद करूं थर नामा ने, माया रो छूटो संग मारी, पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोलते, माया रो छूटो संग मारी आ मजमा, माया रो छूटो संग मारी आ मजमा, मेहंदी रची थर हाथों में, अब छोड़ दो मुझे, महिलाओं से माता बहनों से निवेदन, दोनों हाथों को उठा के, ताली के साथ में, अरे भी चेड़ी नगरी माता आप बिराजो, कारज सारो, कारज सारो, ओ हरे मैया कारज सारो, मां उद्धार
थारा दर्शन करवा, ओ थारा दर्शन करवा आवे दुनिया तारी वो माँ। जे हो थारी मैया, जे हो थारी मैया, जे हो जे हो। बहनों से सुनना चाहता हूँ, जे हो थारी मैया, जे हो बजाओ। जे हो थारी मैया, जे हो थारी 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 मैया, ओ जे हो थारी मैया, जे हो थारी मैया, जे हो मैया, जे हो। स्वर में बोलिए, ओ जे हो थारी मैया, जे हो थारे मैया। अब स्वर में थे, ताल में नहीं थे। जे हो, दोनों हाथों को उठा ले तो, जे हो थारी मैया, जे हो थारी मैया, जे हो थारी 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 मैया, ओ जे हो थारी मैया, जे हो थारी मैया, जे हो थारी 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 मैया। नथनी बन जाऊं आपके लिए है अजी। देख के वो तो माता, मैं तो नथनी बन जाऊं, नथनी बन जाऊं थारा मुकड़ा पे रम जाऊं, ओ नथनी बन जाऊं थारा मुकड़ा पे रम जाऊं। अब सिर्फ मेरी बहनें बोलेंगी, बोर गुथाऊं थारे, बोरियों करते गुद दीजिए कहां पे माथे में, तो आप बोलेंगी, बोर गुथाऊं थारे माथा में, चुड़लू मंगाऊं थारे माथा में आथा में। तो इसको गा के बोलिए, कोई भी बहन का हाथ खाली नहीं होगा, क्योंकि भाइयों से ज्यादा तो शक्ति का रूप तो आप बैठी हो और आपके कारण से पूरी दुनिया चलती है। बिना शक्ति का कुछ नहीं होता और शक्ति आप में बसती है। मैं चाहता हूं सभी बहनों से एक बार, अरे बोर गुथाऊं थारे माथा में, चुड़लू मंगाऊं थारे हाथा में, बोर गुथाऊं थारे माथा में, चुड़लू मंगाऊं थारे हाथा में, बन जाऊं बाजू बंद थारे आ मजमा, बन जाऊं बाजू बंद थारी आ मजमा, मेहंदी रची थारे हाथों में, पायलड़ी बन जाऊं, ओ ठीक वो तो माता, मैं तो पायलड़ी बन जाऊं, पायलड़ी बन जाऊं थारा चरणा में रम जाऊं, ओ पायलड़ी बन जाऊं थारा चरणा में रम जाऊं, फूल बिछाऊं थारे पावा में, फूल बिछाऊं थारे पावा में, नित नित दर्शन आवा में, फूल बिछाऊं थारे पावा में, नित नित दर्शन आवा में, नैना में कर लूं बंद भारी आ मजमा, नैना में कर लूं बंद भारी आ मजमा, मेहंदी रची थारे हाथों में।
बार बलिया मजमा तकी ओ जेड़ा राड़ा परता हरि अकबर सूतो जिके जान सिड़ा मित्रों बप्पा रावल से मेवाड़ के वंश की कहानी शुरू होती है। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा संग्राम सिंह जो महाराणा सांगा के नाम से इतिहास में विख्यात हुए, और महाराणा सांगा के पांच पुत्र हुए। पांच पुत्रों में सबसे छोटे थे उदय सिंह। पन्ना धाये स्वामी भक्त गुजरी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके और अपने बेटे का सर उनके आंखों के सामने बनवीर ने कलम कर दिया। लेकिन महाराणा सांगा को दिए वचन अनुसार, क्योंकि महाराणा सांगा ने खानवा के मैदान में जाते वक्त पन्ना को एक जिम्मेदारी दी थी कि पन्ना में बाबर के युद्ध विदर्भी बाबर से युद्ध करने के लिए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहा हूं, और मेवाड़ के अंतिम कुलदीपक उदय सिंह की जिम्मेदारी मैं तुमको देके जा रहा हूं। तुम किसी भी अंधियारे में किसी भी तूफान में इसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा देश धर्म होगा। मित्रों मैं निवेदन करता हूं, जितने लोग बैठे हैं वो इस बात को निश्चित रूप से सुनिएगा। 1521 में खानवा के मैदान में जो भरतपुर जिले में है वहां पर युद्ध लड़ा गया। 6 महीने तक युद्ध के बाद में वीर गति को प्राप्त हुए महाराणा सांगा। पन्ना धाय के पति का नाम था सूरज गुजर, वो महाराणा सांगा के अंगरक्षक हुआ करते थे, और मातृभूमि और देश की लड़ाई के लिए वे भी शहीद हो गए। और इधर बनवीर को जब ये पता चला, वो एक दासी पुत्र था, उसको पता चला कि मेवाड़ का अंतिम कुलदीपक अभी तक जीवित है, तो वो उदय सिंह को मारने के लिए गया, और पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उसकी जगह सुलवा के उसका बलिदान करवा दिया। लेकिन महाराणा सांगा के उस राजवंश के कुल दीपक की रक्षा की। कुंभलगढ़ में आशा शाह कामदार थे जैन समाज के, ये कुंभलगढ़ का इलाका है, महाराणा कुंभा ने चुनवाया था। आशा शाह के यहां पर पन्ना धाय उदय सिंह जी को लेके आई। उदय सिंह जी यहां बड़े हुए, और जालौर के सोनगरा क्षत्रिय कुल के अक्षय राज सिंह सोनगरा की पुत्री जयवंती के साथ महाराणा उदय सिंह का विवाह हुआ, और विवाह के उपरांत ईस्वी सन 1540 की 9 मई की प्रभात में उदय सिंह के यहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और महाराणा प्रताप
महाराणा सांगा की स्वाभिमान की लड़ाई यहां तक पहुंच गई और आज फिर कुंभलगढ़ के कविराज, कुंभलगढ़ के किले की नींव में बैठकर कवि माधव दर्ग इस देश की युवा चेतना को फिर से जगाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक जो वसवार कथे मायड़ थारो वो भूत कठे, एक लिंग दीपान कठे, महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक जो वसवार कठे, मायड़ धारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। बाचो है इतिहासा में, बाचो है इतिहासा में, मायड़ थे एड़ा पूत गया, खन पान लजायो नी थारो, खन पान लजायो नी थारो, रणधीरा वे सरदार बना, बेजा रहे मन सुपाटीला, बेजा रहे मन सुपाटीला, सारा पड़ गया उन दे आगे। वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, झुक्यो नहीं नर ना हरियो, वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो, हिंदुवा सूरज में पाड़ दपन, हिंदुवा सूरज में पाड़ दपन, वो महाराणा प्रताप कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। तो आ माटी हल्दी घाटी दी लागे ज लागे केसर और चंदन है, ये हल्दी घाटी जाता रास्ता सीधा, माथा पर तिलक करो इन रो, माथा पर तिलक करो इन रो, इन धरती में नित बंधन है, या रण भूमि तीरथ भूमि हो, या रण भूमि तीरथ भूमि, दर्शन करवा मन ललचावे, बलिदानी वीरों की गाथा हिबड़ा में जोश जगा जावे, उन देश भक्त के तकरीवा,
पारी आवाज कठे माजड़ थारो वो भूत कठे एक लिंग दीपान कठे वो महादाना परताप कठे आज देशरी सीमा पर आज देशरी सीमा पर संकट रा बादल मंडराया ए पाकिस्तानी घुसपैठिया ए पाकिस्तानी घुसपैठिया क्या बोलो मैं जब जगह जगह आपको याद दिलाऊंगा ए पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में भारत सीमा में तो मेवाड़ के लोगों का तो सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है क्योंकि उन्होंने अपने महलों को नीलम के बाजोट पर सोने की थाली में जो भोजन करते थे मित्रों वो घास फूस की रोटी खाने के लिए तैयार हो गए लेकिन अकबर की गुलामी को इतना कमजोर नहीं थोड़ा सा अकबर की गुलामी को नहीं किया स्वीकार और इसलिए भारत रा वीर जवान थे भारत रा वीर जवान थे जाने ओ सबको सिखा दी जो थे हो प्रताप का ही वंशज याने आ बात बता दीजो यो कश्मीर भारत को है यो कश्मीर भारत को है थोड़ा आंख दिखावे आज अठे सभी की तालियां होंगी और मुझे विदा करेंगे आप लोग इन तालियों के साथ में माजड़ थारो वो भूत कठे जयपुर नगरा में पतिरानी छोटा बूंदी कद अनजानी चंबल के वे आही कहानी धरती धोरारी धरती धोरारी हो धरती धोरारी आ तो सुर गाने शर्मावे ई पर देवन मन ने आवे ई रोज सिनर नारी गावे धरती धोरारी हो धरती धोरारी।